से आप सब भाई साहब, आज किस वीडियो में हम बनाने वाले हैं फेविकोल। तो गाइस यार, यहां पर आप देख सकते हैं मेरे पास फेविकोल की एक डिब्बी है जो कि 10 रुपए की मार्केट में मिलती है। तो गाइस यार, हम क्या करते हैं इस चीज़ को, हम जैसे हमारी कोई कॉपी वगैरह या फिर कोई रजिस्टर फट जाता है तो उसे चिपकाने के लिए यूज में करते हैं। तो गाइस यार, हम क्या करते हैं सिंपली आज इसी को घर पर ही बनाने के लिए ट्राई करेंगे। तो गाइस यार, हमारे पास है यहाँ पर फेविकोल बनाने के लिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर है नमक और ये है गाइस चीनी और भाई ये है मैदा। तो गाइस यार, क्या करने वाले हैं सिंपली इन चीज़ों की मदद से हम जो है फेविकोल बनाने वाले हैं। तो गाइस यार, चलिए फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो और हम भाई साहब इस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यार, हम क्या करेंगे सिंपली यहाँ पर एक हमने कटोरी ले ली है और उसके अंदर हम एक चम्मच इतना मैदा लेंगे और उसको इसके अंदर डाल देंगे और गाइस एक चम्मच इतनी चीनी लेंगे और उसको भी भाई इसके अंदर डाल देंगे और भाई एक चम्मच ही नमक लेने वाले हैं और उसको भी इसके अंदर डाल देंगे। तो गाइस यार, हम क्या करते हैं सिंपली इनको हटा देते हैं साइड में और यहाँ पर जो है हमने इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेना है कुछ इस तरीके से और भाई इसके अंदर मैं थोड़ा सा वाटर यानी कि पानी ऐड कर देता हूँ। तो गाइस यार, इतना पानी काफ़ी रहेगा और मेरे ख्याल से ये थोड़ा ज़्यादा हो गया है तो मैं क्या करूँगा इनमें से थोड़ा थोड़ा और भी मिला लूँगा। तो गाइस, इसके अंदर और थोड़ा मैदा मिला लेता हूँ और थोड़ी चीनी और थोड़ा नमक और थोड़ी सी मैदा और ले लेते हैं। तो गाइस यार, इनको मिक्स कर लेंगे और गाइस अब क्या करना है सिंपली इनको ऐसे एक घोल बना लेना है हमें और गाइस इस तरह से हमें इसके अंदर जो चीनी है उसको घोल देंगे अच्छी तरह से। और गाइस अब क्या करना है सिंपली, अब हमको इस घोल को गैस पे थोड़ा गर्म करना है, बॉईल करना है ताकि ये अच्छे से वर्क करे। तो गाइस चलिए इसको गर्म करते हैं। तो गाइज यार, ये जो ग्लू हमने बनाया है इन तीनों चीज़ों की मदद से, तो गाइज इसको हम भर लेते हैं इस डिब्बे में और गाइज ये खाली है आप देख सकते हैं। तो गाइज यार, मैं इसको इसके अंदर कर लेता हूँ और फिर इसको चिपका के देखेंगे। तो गाइज यार, इसका जो ढक्कन है उसे लगा देते हैं और इस कैप को हटा ले रहे हैं और अब इसको थोड़ा मिक्स कर लेते हैं, घुमा लेते हैं और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कॉपी है और इसको हमें चिपकाना है। तो गाइस यार, मैं इसको यहाँ से लगा देता हूँ इसके ऊपर लेप और इसको चिपका देते हैं गाइस और आप देखेंगे कि भाई थोड़ी देर के लिए इसे ऐसे ही रहने देते हैं और आप देखने वाले हैं कि भाई ये क्या काम करता है या फिर नहीं। तो गाइस अभी देख लो, एक दो सेकंड हुई होंगी और आप देख सकते हैं ये काम करना स्टार्ट कर रहा है गाइस, चिपक रहा है आप देख सकते हैं पर से। और गाइस यार, आप देख सकते हैं काफी मजबूती से ये पकड़ कर रहा है। तो गाइस इस तरह से अभी ये थोड़ा गीला है और इसको सुखा लेते हैं और इस तरह से आप भी अपने घर पर
फेविकोल बना सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देता हूँ, फिर इसे हटाएंगे और फिर देखेंगे कि भाई ये क्या, ये जो हमने फेविकोल बनाया है बढ़िया चीज़ बनी है या फिर नहीं। तो गाइज यार आप देख सकते हैं जो भाई हमने इस कॉपी को एक पन्ना चिपकाया था उसको हटा करके दिखाता हूँ मैं। तो गाइज आप देख सकते हैं इसका जो नीचे का वो नीचे वाला पन्ना वो भी चिपकने लगा है। और भाई अब आप देखिए कितनी मजबूती से इसने पकड़ करी है, जो हमारा पेपर है वो भी फट रहा है जो कॉपी का पन्ना। और आप देख सकते हैं कितनी मजबूती से जो है ये कागज़ चिपका हुआ है। और गाइज इस ग्लू की मदद से चिपका हुआ ये जो हमने अभी यहीं पर बनाया घर पे, और आप देख सकते हैं छूट भी नहीं रहा है गाइज, अभी तो ये पूरा चिपका हुआ है, अच्छी तरह से ये चिपक गया है। यार देखा आपने भाई, ये आप अपने रसोई में रखे हुए सामान से भी फेविकोल बना सकते हैं, वो भी घर पर बहुत ही आसानी से। तो गाइज यार चीनी नमक और गाइज मैदा तो आपके घर में मिल ही जाती है, तो गाइज उसकी मदद से हमने इस फेविकोल को बनाया है। और आपने देखा कि भाई ये काफ़ी तेज़ चिपकता है और काफ़ी ज़्यादा वर्क करता है। तो गाइज अगर इस वीडियो में आपको थोड़ा भी मज़ा आया हो तो भाई नीचे जो लाइक का बटन है उसे दबा दो। और भाई हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।